सारे वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले रेड डॉट में कैसे जो है रेड डॉट प्लस M416 जो प्राइमरी सबका वेपन रहता है उसका जो है रिकॉइल कम कर क्लोज कोर कम्बैट में या फिर थोड़ा सा दूर जैसे इतने यहाँ पे कैसे रिकॉइल 25 मीटर के राउंड कैसे रिकॉइल एकदम ख़त्म किया जाए। तो आज मैं मेरी एडीएस सेंसिविटी और सेंसिविटी बताऊंगा जिससे दौरान तुम मेरी जो है रिकॉइल कंट्रोल देख सकते हो। अभी थोड़ा सैंपल देख लो, यह है मेरे हाथ में एक M416, उसमें अटैचमेंट लगा हुआ है। इस ग्रिप को हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं। सप्रेसर मैग से क्या होगा ये देखते कितने मीटर है, 10 मीटर। ये देखो, देखा पूरे बॉडी पे पड़ा सारा शॉट। अभी यहाँ पे देखते कितना मीटर है, 17 नहीं चलेगा, चलो 33, इतना ही मैं बता रहा हूँ। देखो पूरा बॉडी पे, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने बताया था ना ज़्यादा दूर पे ये ठीक नहीं चलेगी, फिर भी हल्का सा कंट्रोल हो जाता है मेरे भाई। तो मैं अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग ज़रा दिखा लू। और मैंने हमारी स्मोक बग इज नॉट वर्किंग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उस पर चेकआउट कर लो। ये देखो मेरी सेंसिटिविटी, ये है मेरी एडीएस 2x की, मैंने ज़्यादा कस्टमाइज नहीं किया है। ये देख लो, ये मैंने रखा हुआ है रेड डॉट को, सेंसिटिविटी को 50। और ये देख लो, ये मेरा एडीएस सेंसिटिविटी, और जायरोस्कोप में यूज़ नहीं करता, मुझे लगता है जायरोस्कोप फाउल है। ये देख लो 17 पे एडीएस सेंसिटिविटी रखना एकदम मक्खन चलेगी। और ये सब मैंने कोई छेड़खानी नहीं की है, मैं मीडियम पे खेलता हूँ लेकिन मैंने थोड़ा सा छेड़खानी की है। और मेरा ग्राफिक्स है ये HD पे खेलता हूँ, HDR नहीं आता मेरा भाई। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो नई वीडियो पे और किसी नए टॉपिक के लिए। आपको अगर चाहिए जो है नया आया है ना सीज़न 5 का कुछ लीक, तो हो मैं वीडियो चाहता हूँ बनाना, तो मैं सॉफ्टवेयर हिंदी का वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, वंदे मातरम।